सर स्ट्रक्चर तक हुआ था सर, हम लुईस ड्रॉप स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बताया जा रहा था, कुछ स्ट्रक्चर बताया जा रहा था, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनाना है दैट वन इज N2O। N2O3 NO2 N2O4 और N2O5। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको पता हो तो ये +1 था, +2 था, +3 था, +4 था, ये ध्यान रखना, ये दोनों जो होता है ना न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये सब जो है ना, ये सब ये जो बिगिनिंग देख रहे हो ये सब कैसे हैं, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। ये ध्यान रखना, ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो लेस इलेक्ट्रॉनिक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन से देखो ऐसे बनाना पड़ेगा, एक नाइट्रोजन यहाँ पर, दो सेंट्रल एटम है तो एक नाइट्रोजन, एक दूसरा नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, ऐसा करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों नाइट्रोजन, जैसे ऐसा समझ लो ना, एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और इन दोनों ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है, तो इसके वैलेंस शेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके वैलेंस शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी वैलेंस शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसका ऑक्टेट पूरा कर दो, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का देखो, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो अभी हम डबल बॉन्ड बना दे क्या, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे तो क्या कुछ गलती करेंगे बताओ, ऐसा करने से क्या नहीं सर, इन सेकंड ग्रुप का सेकंड सर गलती करेंगे वो, हां सर यहां सब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, हां बिल्कुल, तो क्या करना पड़ेगा हमको, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज करना पड़ेगा, तब इसके पास जाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है N2O का स्ट्रक्चर। इसका नाम पता है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, नाइट्रस ऑक्साइड, अच्छा इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इसका नाम ऐसा भी है, बताया गया था नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, ये 1 है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर आपको पता हो तो इसी को लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस, या इसका एक नाम और हो सकता है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन वन ऑक्साइड, ये सब सब इसका नाम। एनओ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा किए, ये देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर देखोगे टोटल 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ध्यान है, इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी इसको बोलते हैं। ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसमें 2 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस तरह से देखो, एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट अगर सोच रहे हो इस तरह से, तो ये वाला स्ट्रक्चर ना गलत है, ये वाला स्ट्रक्चर गलत है,
ध्यान रखना, ये वाला स्ट्रक्चर अगर बनाओगे ना तो गलत है ये वाला। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड होता है, दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तीन ऑक्सीजन है, तो एक नाइट्रोजन पर दो ऑक्सीजन दे दो, एक नाइट्रोजन पर एक ऑक्सीजन दे दो। ये अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है क्योंकि इसके अंदर N2O3 के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड देखा गया है, यहाँ पर ऐसा बनाने से नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है, NON बॉन्ड पाया जाता है इसके अंदर दिखता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसका इसका स्ट्रक्चर पूरा करो कैसे होगा, यहाँ पर अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना दूं तो इन दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, तो उसके बाद बनाओगे तो ये गलत आ जाएगा। सबसे पहले क्या करो ना, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करना शुरू कर दो, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस नाइट्रोजन देखो, अभी इस नाइट्रोजन के बारे में देखोगे तो नाइट्रोजन ऑलरेडी कितना बॉन्ड बना चुका है, दो बॉन्ड बना चुका है, तीन इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, डबल बॉन्ड बना देंगे तो ये क्या होगा, ऑक्टेट एक्सपेंशन हो जाएगा इस नाइट्रोजन का, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल किए। यहाँ पर एक नाइट्रोजन इसका एक लोन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जिसके साथ इसका बॉन्ड बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, तो इस नाइट्रोजन का देखे तो ऑक्टेट पूरा हो गया, दो चार छह और दो आठ, इस नाइट्रोजन के बारे में सोचो, दो इलेक्ट्रॉन्स, तीन इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा, ये इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है N2O3 का, N2O3 में NN बॉन्ड देखा गया है, तो ये जरा ध्यान रखना यहाँ। इसी तरह NO2 का स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या बोलूंगी, इसका जैसे नाम क्या, इसका नाम क्या बोलते बताओ, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन टू ऑक्साइड भी बोला जाएगा, नाइट्रोजन टू ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोला जाएगा। क्या क्या नाम बोला, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन टू ऑक्साइड, ये सब इसका नाम है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो आगे भी मैं बताऊंगा ये सब, जब हम पी ब्लॉक पढ़ाएंगे ना तो ये सब बताएंगे। चलो यहाँ पर देखो NO2 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, NO2 का क्या है, देखो ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, पैरामैग्नेटिक है, ये सब बात ध्यान रखना है, नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन है, ऐसे बना दिया, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा कर दो, ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट पूरा, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल कर दो, इस नाइट्रोजन का टोटल चार इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है बट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, इस सेंट्रल वाला नाइट्रोजन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार दो छह एक सात, सात ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड बना देते तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता, टोटल नाइन इलेक्ट्रॉन हो जाता, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है, इसलिए ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। तो देखो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है ना, अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ये डाइमराइज कर जाता है, डाइमर फॉर्म करता है, मतलब बेसिकली N2O4 जो है ना, N2O4 क्या है, यहाँ पर अगर NO2 दो मॉलिक्यूल्स NO2 का डाइमराइज कर जाएंगे ना, डाइमराइज कर जाएंगे तो क्या बनाएंगे, N2O4 बनाएंगे। और आपको पता है NO2 का स्ट्रक्चर पता है, आपने अभी बनाया कि ये NO2 का स्ट्रक्चर है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे NO2 के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या करता है, मिलकर डाइमराइज कर देता है, बॉन्ड बना लेता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4। देखो एक चीज और ध्यान रखना, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बताओ, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। हाँ, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और एक नाम तो सबके लिए है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बट यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन फोर ऑक्साइड, फोर ऑक्साइड, नाइट्रोजन फोर ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम N2O3 का, नाइट्रोजन थ्री ऑक्साइड,
नाइट्रोजन थ्री ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या इसको इसका एक नाम और ध्यान रखिएगा, इसको मिक्स्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या? मिक्स्ड ऑक्साइड। ऑक्साइड व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ऑक्साइड, क्योंकि ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2। देख रहे हो NO और NO2 को मिला देगो तो N2O3 बन जाएगा। आप इसके स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हो कि ये NO का स्ट्रक्चर है जो कि हमने यहां बनाया, और ये किसका स्ट्रक्चर है? NO2 का स्ट्रक्चर है जो कि मैं ये नीचे बनाया हूं। तो इसको इसलिए क्या बोला था? मिक्स ऑक्साइड भी बोला जाता है। अब अगर N2O5 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? आपको कुछ नहीं करना है, N2O5 बनाने के लिए एक बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना है, एक बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना है। तो N2O5 का स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ये N2O5 का स्ट्रक्चर हो गया, इसका नाम हो जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन फाइव ऑक्साइड, नाइट्रोजन फाइव ऑक्साइड। तो इन सब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और, जैसे एग्जाम में पूछते हैं कि इन पांचों ऑक्साइड, इन छह ऑक्साइड में किसमें एन एन बॉन्ड होता है, एन एन बॉन्ड होता है, बताओ, देख कर बताओ एन एन बॉन्ड किसके किसमें है? N2O में है एन एन बॉन्ड, N2O इसमें नहीं है, इसमें देखो इसमें भी है, देखो यहाँ पर बनाया है N2O3 में भी है, NO2 में तो पॉसिबल ही नहीं है। जहां पर दो नाइट्रोजन होगा वहीं तो पॉसिबल है NN बॉन्ड, या इसमें तो एक ही नाइट्रोजन है तो पॉसिबल ही नहीं है। N2O4 में है, देखो N2O4 में है, N2O5 में भी पॉसिबल नहीं है, नीचे बना हुआ है। तो NN बॉन्ड किसमें किसमें है? N2O3 में है, N2O3 में है, N2O3 में है और N2O4 में, इन तीनों में NN बॉन्ड है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इन इन छेदों में से पैरामैग्नेटिक कौन कौन होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, दैट इज NO एंड NO2। कौन कौन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है? तो यही NO और NO2। कौन कौन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है? तो N2O और NO। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, स्ट्रक्चर के साथ साथ ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखना है। हो गया, उसके बाद ये दोनों ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में भी ध्यान रखना। फॉस्फोरस के दो मेन ऑक्साइड हैं, एक का नाम है P2O3 और एक का नाम है P2O3 और एक का दैट वन इज P2O5। मतलब ये प्लस थ्री वाला है और ये प्लस सिक्स वाला, सॉरी प्लस फाइव वाला है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो P2O3 है ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या? डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये P4O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या आपको P4 का स्ट्रक्चर बनाना आता है? P4 का स्ट्रक्चर बनाना आता है तो कैसे बनाओगे? देखो ये P4 का स्ट्रक्चर, चार फॉस्फोरस रख दिया, हर एक फॉस्फोरस के बीच बॉन्ड बनाओ। देखो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल्स में टोटल पांच इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी हर एक फॉस्फोरस दो ही बॉन्ड बनाया है, तो तीसरा बॉन्ड कैसे बनाएगा? देखो ये तीसरा बॉन्ड है इसका,
तीसरा बॉन्ड है ये फॉस्फोरस फॉस्फोरस, और एक बॉन्ड देखो ऐसे ये तीसरा बनाएगा ऐसा ऊपर से है, मतलब हर एक फॉस्फोरस के ऊपर क्या देखोगे एक एक लोन पेयर देखोगे, हर एक फॉस्फोरस के पास एक एक लोन पेयर देखोगे, हर एक फॉस्फोरस एक तीन पीपी बॉन्ड बनाया है, ये फॉस्फोरस इस फॉस्फोरस से, दूसरा फॉस्फोरस से, तीसरा फॉस्फोरस से, तो ये आपका पी फोर का स्ट्रक्चर है, पी फोर का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं पी फोर ओ सिक्स का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आप यहां पर भी वही करो, चार फॉस्फोरस है तो चारों को ऐसे अरेंज कर दे, अगर इसमें पूछे पी फोर में कितना पीपी बॉन्ड है तो क्या बोलोगे बताओ, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड, पी सिंगल बॉन्ड पी कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छ, तो नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड ध्यान रखना, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितने हैं, छह है। अच्छा नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ दिया तो क्या बोलोगे, इस स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर, लोन पेयर चार बोलो, हर एक फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर है। अब देखो पी फोर ओ सिक्स है, चार फॉस्फोरस ऐसे बना दिया जैसे पी फोर बनाया था, अब छह ऑक्सीजन है तो छह ऑक्सीजन में हर एक के बीच एक एक ऑक्सीजन रख दो, रख दिया चार ऑक्सीजन और इसके बीच पहले बॉन्ड बना दो, ये हो गया चार ऑक्सीजन यूज हो गया, दो ऑक्सीजन बचा हुआ है आपके पास, दो ऑक्सीजन बचा हुआ तो इसको कैसे रखेंगे, देखो एक ऑक्सीजन और एक दूसरा ऑक्सीजन ये ऊपर से है, छह ऑक्सीजन हो गया, हर एक फॉस्फोरस तीन बॉन्ड बनाया है तो एक एक लोन पेयर होगा, हर एक ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड बनाया तो दो दो लोन पेयर होगा, अगर इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ दें तो कितना होगा बताओ, छह ऑक्सीजन है तो बारह लोन पेयर, और बारह और चार सोलह, टोटल सोलह लोन पेयर है, कैसे बोला हर एक ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर, तो छह ऑक्सीजन है तो मतलब कितना लोन पेयर, बारह लोन पेयर, और चार फॉस्फोरस है हर एक फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर, तो कितना हो गया नंबर ऑफ लोन पेयर कितना, सोलह। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड पूछ दिया तो बताओ पीओपी बॉन्ड कितने हैं इसमें, छह, छह है, एक दो तीन चार पांच छह। नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड पूछ दिया तो कितना बोलोगे बताओ, बारह, देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, टोटल बारह, एक पीओपी के बीच दो पीओ बॉन्ड ना तो छ में बारह हो जाएगा, तो ये सब स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। चलो तो उसके बाद हम लोग आते हैं पी फोर ओ फाइव पी टू ओ फाइव पर, तो P2O5 भी आपको ध्यान रखना है एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, P2O5 भी डाइमराइज हो जाता है, इसका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो ये बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर्स है जिसमें देखोगे मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक का चीजें जो होगा ना इसमें कवर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी देयर इन पी ब्लॉक, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारा चीज कवर्ड हो जाएगा, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है P4O10, तो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाना है, कोई नया इनोवेशन नहीं करना है, चार फॉस्फोरस दस ऑक्सीजन है तो हर एक के बीच पहले ऑक्सीजन डालो जैसे इसमें डाल रहा था, इसको बॉन्ड बना दो पहले, फिर क्या करो देखो एक ऑक्सीजन यहाँ यूज कर लिया, छह ऑक्सीजन हो गया यूज, ये तो P4O6 बना, अभी चार ऑक्सीजन और है तो क्या करो हर एक फॉस्फोरस पर दो दो ऑक्सीजन डालना शुरू कर दो, हो गया एक एक ऑक्सीजन डाल दिया टोटल दस हो गया, तो बताओ अभी इस फॉस्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पांच बॉन्ड बनाया तो दस इलेक्ट्रॉन्स, टेन, हाँ टेन फॉस्फोरस कैन कीप टेन इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि ये थर्ड और हायर पीरियड का है, तो ये P4O10 हो गया, इसमें नंबर ऑफ POP बॉन्ड पूछा तो अभी भी कितना होगा, छह ही होगा, नंबर ऑफ P सिंगल बॉन्ड O पूछा तो बारह, नंबर ऑफ
पी डबल बॉन्ड ओ पूछा तो चार, फोर। नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा तो लोन पेयर हर एक ऑक्सीजन आप ओनली ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो 10 ऑक्सीजन है तो कितना लोन पेयर 20 लोन पेयर। फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर, हाँ फास्फोरस के लोन ऊपर लोन पेयर चला गया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में। हाँ सर ओके उसके बाद देखो और कुछ स्ट्रक्चर है फिर उसके बाद अब ये खत्म नहीं हुआ है इस पर टाइम देते हैं थोड़ा। तो आज गांधी जयंती है तो गांधी जयंती वो कैसे मना रहे हो कोई स्पेशल? आपने तो छुट्टी ही नहीं दिया। अच्छा छुट्टी ही नहीं दिया तो गांधी जयंती नहीं मना सकते हो, बापू को याद नहीं कर सकते हो? हाँ सर कर तो सकते हैं। हाँ सर देखो ये स्ट्रक्चर बनाओ थोड़ा MnO4- और एक है MnO42-। देखो इसका 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 नाम जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। क्या? पर मैग्नेट। इसे अगर के लगा दूं तो पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा और इसको क्या बोलते हैं मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन मैग्नेट आयन। इसका एक एसिड फेमस है दैट इज H2MnO4। इसको क्या बोलते हैं पर सॉरी मैग्निक एसिड, मैग्निक एसिड बोलते हैं। इसका एसिड एक फेमस है ध्यान रखिएगा। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाना है जो कम है उसको सेंट्रल एटम बना दिया। चलो चार ऑक्सीजन से चारों को ऐसे रख दिया, एक माइनस चार्ज है पहले इस ऑक्सीजन को निपट लेते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ऑक्टेट पूरा इस ऑक्सीजन का, इन सब ऑक्सीजन का भी निपट लेते हैं ऑक्टेट पूरा, इन सब ऑक्सीजन से भी निपट लेते हैं ऑक्टेट पूरा, सिमिलरली इससे भी ऑक्टेट पूरा। क्या मैग्नीज के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन आता है आपको लिखना, ये 25 होता है। क्या होगा दैट विल बी आर्गन 4s2 3d कितना 35 तो देख रहे हो ना आपको पता है कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये अब ऐसे मत बोलना कि सर इसके वैलेंस में तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स है, देखना डी ब्लॉक में ध्यान रखना, डी ब्लॉक में एस और डी का एनर्जी का जो गैप होता है ना ये बहुत कम होता है। क्या बोला फिर से सुनो, डी ब्लॉक में ये जो एस और डी सबसेल का, एस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का एनर्जी जो गैप है ना दे आर वेरी स्मॉल। गैप ज्यादा नहीं है तो क्या होगा ना फोरेस का इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा और डी का भी इलेक्ट्रॉन, पांचों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए देख रहे हो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसके पास कितना टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ 14 है। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर देखो, दो माइनस चार्ज रख दिया, ये 2, 4, 6 और इसमें एक तो ऐसे पड़ा रहेगा। सर ये तो पैरामैग्नेटिक होगा।
हाँ पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा बिल्कुल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें। इसके पास अभी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ, 2, 4, 8, 10, 12, 13। इसमें ध्यान रखना ये +7 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसमें ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसी तरह यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डायक्रोमेट आयन, डायक्रोमेट आयन, और इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। That is CrO4-, क्रोमेट आयन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो दो क्रोमियम, यहाँ पर दो सेंट्रल एटम है, दो क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन को अरेंज करने का तरीका, 3-3, 1-1 ऑक्सीजन पर रख दो, 3-3, 1-1 ऑक्सीजन पर रख दो और एक बीच में रख दो, हो गया। तो रख दिया तो देखो बॉन्डिंग कैसे हो, ऑक्सीजन का 2 माइनस चार्ज है तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऑक्टेट पूरा करो इसका, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा करो, हो गया, बन गया स्ट्रक्चर। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर, क्या होता है आर्गन 4s1 3d5, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन देख सकते हो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इसके पास भी कितना, 12। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बनाना है, Cr 4 ऑक्सीजन है, 2 माइनस चार्ज है तो दोनों के एक ऊपर रख दिया, ऑक्टेट पूरा करना है, ये स्ट्रक्चर इसका बन गया। इसके पास 6 भी, इसके पास भी टोटल देखोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 बॉन्ड बना लिया है ना तो 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, N3- इसको आजाइड आयन बोलते हैं, एक आपका है I3-, इसका कोई नाम नहीं है, कुछ नाम नहीं है बट इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको। देखो इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, 3 नाइट्रोजन से, एक माइनस चार्ज है किसी एक नाइट्रोजन पर रख दिया, रखते ही इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा कर देते हैं, ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बताओ इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हो गया ना, देखोगे 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं, हो गया ना, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाना है तो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया ऐसा। अगर अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बदलना चाहते हो कोवेलेंट बॉन्ड में तो ये देने वाला है, देने वाला के ऊपर क्या प्लस चार्ज और लेने वाला के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहां पर देखो एजाइड आयन, इसको I3- कर सकते, एक माइनस चार्ज यहाँ पर दे दिया, माइनस चार्ज देते ही 8 इलेक्ट्रॉन इसको हो गया। यहां पर देखोगे इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, बट माइनस चार्ज होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण क्या करेगा ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ये ऐसे दे दिए, मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर कितना लोन पेयर है, अगर इस स्ट्रक्चर में पूछते कितना लोन पेयर है तो क्या बोलोगे, टोटल लोन पेयर 3 इसके ऊपर,
तीन इसके ऊपर और इसके ऊपर भी कितना तीन, ये तो पार्टिसिपेट कर लिया ना, ये टोटल नाइन लोन पेयर है। टोटल यहाँ पर देखोगे ना, टोटल लोन पेयर कितना, टोटल नाइन। हाँ सर। इसी तरह ओजोन का स्ट्रक्चर बनाओ, सर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, बिल्कुल बिल्कुल सही करना है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये ओजोन है आपका। यस सर। देखो जेनॉन का भी कुछ कंपाउंड होता है, तो उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। रुक जाओ पहले, उसके और कुछ बच रहा है तो पहले उसको देखने दो। चलो एक एक करके ये चार लिखा, चारों का स्ट्रक्चर बना। चार इसमें देखना, इसमें सल्फर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये सेंट्रल एटम होगा। और ये सबको सराउंडिंग एटम कर दो, सराउंडिंग एटम कर दो। यहां पर भी देखो सल्फर ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है, क्लोरीन क्लोरीन। यहां पर देखो जेनॉन, जेनॉन आपको जेनॉन का भी कुछ कंपाउंड देखने को मिलता है। मतलब ये जो होगा ना ल्यूस ऑक्टेट टूल का लिमिटेशन होगा, जेनॉन का भी कुछ कंपाउंड देखने को मिला है। तो दैट विल बी जेनॉन, हम लोग का रेफरेंस जेनॉन है, हम लोग का रेफरेंस ऑक्टेट टूल है। बट ऑक्टेट टूल के ये क्या कर रहा है, विरुद्ध जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट टूल, ल्यूस ऑक्टेट टूल नोवेल गैस को कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो तो इनर्ट होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। बट जेनॉन का भी कुछ कंपाउंड देखने को मिलता है, लिमिटेशन लिखेंगे आगे चल के ना, लिमिटेशन लिखेंगे। तो ऐसे बना देता हूँ चार क्लोरीन, इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, बीच में बाउंड देकर ऑक्टेट पूरा करो सराउंडिंग एटम। SOCl2 का कोई नाम बताएगा? SOCl2 को हम लोग थायोनील क्लोराइड बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। और लिखूंगा भी नाम। और SO2Cl2 को सल्फोनील क्लोराइड बोला जाता है, सल्फोनील क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला, इसको क्या बोला जाता है? दैट वन इज थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड।
और इसको सल्फोनिल सल्फोनिल क्लोराइड क्लोराइड इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। बॉन्डिंग करना है तो देखो कर देता हूँ तुरंत जल्दी सा। इसके ऊपर एक लोन पेयर पड़ा रहेगा क्योंकि टोटल चार ही बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर देखो सर कितना बॉन्ड बना लिया, एक दो तीन चार पांच छह, एक लोन पेयर पड़ा होगा जिनोन के ऊपर, छह बॉन्ड एक लोन पेयर पड़ा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है दैट इज SCN का बनाना है और HNC का बनाना है। चलो HNC का देख लीजिए, यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन को बना देता हूँ, हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल एटम लिया नहीं जाता, ये सब सराउंडिंग एटम। स्ट्रक्चर बनाना है, पहले हाइड्रोजन का डुप्लीकेट पूरा कर दिया, इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया नाइट्रोजन का, कार्बन का भी ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो चुका। यहाँ पर HNC तो देखो यहाँ को इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो डुप्लीकेट पूरा हो गया, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, बट इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसके पास अभी छह ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप कोई कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, देखो देने वाला है लेने वाला है, हाँ ऐसा हो जाएगा। यस सर, यस सर। इसमें एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे बताओ, ये भी बता चुका हूँ। थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान रखो, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट In that given compound. तो देखो ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए यही रूल है, अगर A इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर रहा हूँ, अगर A is more electronegative than B, अगर A और B के भी सिंगल बॉन्ड है तो इसके ऊपर माइनस वन चार्ज और प्लस वन चार्ज, A और B के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो माइनस टू प्लस टू चार्ज, और A और B के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसा होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हो, हाइड्रोजन कार्बन में, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर इस बॉन्ड के कारण माइनस वन चार्ज प्लस वन चार्ज, इन ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके ऊपर माइनस थ्री चार्ज प्लस थ्री चार्ज, तो नेट इसके ऊपर कितना चार्ज प्लस टू चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हो ये प्लस वन और ये माइनस वन, इन सब में देखा जाए तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर कितना माइनस थ्री चार्ज, माइनस थ्री चार्ज, तो इसके ऊपर भी प्लस थ्री चार्ज, इसके ऊपर नेट कितना चार्ज, तो देखो माइनस फोर और एक प्लस वन पहले से है, प्लस वन पहले से है तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस थ्री, माइनस थ्री, इसके ऊपर अगर नेट चार्ज पूछा जाए तो प्लस थ्री और एक माइनस वन पहले से है तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्लस टू। तो किसी भी एलिमेंट का you can determine the oxidation state if you are knowing the structure of that compound.
इसका स्ट्रक्चर बनाना है अभी एल एफ सिक्स थ्री माइनस। देखो क्या करना है, ये बेसिकली बना कैसे होगा, जब एल एफ थ्री का तीन एफ माइनस के साथ कॉम्बिनेशन हुआ होगा तभी जाकर ये एल एफ सिक्स थ्री माइनस बना होगा। मतलब आपको पता है कि इस एल्यूमिनियम के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, तो छह इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग इसको बोलते हैं लुईस एसिड है, ऑक्टेट पूरा नहीं है ना, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और ये इसके पर लोन पेयर है तो ये क्या है लुईस बेस है। क्या हुआ देखो, पहले एल एफ थ्री का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, ये एल एफ थ्री है, तीन तीन एफ माइनस है, देखो यहां पर जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तीन कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा हो। इसी तरह SO2 और SO3 का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी, तो ये सल्फर है, दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया, इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा एक SO3 है, नो लोन पेयर, यहाँ पर ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर में है। अगर एक क्वेश्चन और अभी से सुन लो, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक, विच वन इज मोर एसिडिक, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, या ऐसे भी समझो एक जितना ज्यादा ऑक्सीजन का परसेंटेज उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब एक ऑक्सीजन, एक सल्फर पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक सल्फर पर तीन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन कम है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे आगे देखो आप, एक स्ट्रक्चर और अभी से बनाना आपको सिखाता हूं, दैट इज एल टू सी एल सिक्स और एक बी टू एस सिक्स, इसको इसका नाम है डायबोरेन, डायबोरेन इसको बोलते हैं, तो इसको देख ये ध्यान रखिएगा कि बेसिकली कैसे बनता है ना, जब Al AlCl3 डाइमराइज करता है ना तब जाकर Al2Cl6 बनता है, इसके पास देखोगे तो ये टोटल एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए डाइमर बनाना प्रेफर किया। तो देखो AlCl3 का स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3, और एक मोल दो मोल AlCl3 का है ना, तो दूसरा मोल भी बना देता हूं, देखो हो गया। अब इन दोनों में बॉन्डिंग करना है, ऐसे तो ये अलग है, ये अलग है, तो क्या देखो कैसे बॉन्डिंग करते हैं, ये ऐसा बॉन्डिंग होगा, इसका आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, सिमिलरली इसका भी इसी तरह करोगे, इसका भी आठ इलेक्ट्रॉन बन गया। ये जो बॉन्ड बनाना है ये इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो
इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, या इसमें टोटल ये जो सर्कल हम दिया हूं या नीचे जो ये भी बनाना बॉन्ड ही होगा। मतलब इस स्ट्रक्चर में दो बनाना बॉन्ड है, दो ब्रिज बॉन्ड है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो बनाना बनाया हूं इसमें टोटल कितने न्यूक्लियस होंगे, कितने एटम के न्यूक्लियस होंगे, तो एक एल्युमिनियम के, एक क्लोरीन के और एक एल्युमिनियम के, एक एल्युमिनियम के। और कितने यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन इंगेज हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बोलेंगे दो इलेक्ट्रॉन यहां पर और दो इलेक्ट्रॉन यहां पर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोला जाता है। अभी से ध्यान रखना इसको टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन सॉरी क्लोरीन, और ये जो दिख रहा है ना इसको हम लोग ब्रिज्ड बोलते हैं, ब्रिज्ड क्लोरीन, ये भी ब्रिज्ड क्लोरीन, बी मतलब ब्रिज, टी मतलब टर्मिनल। इसी तरह डायबोरेन में यहां पर देखिए, देखो बेसिकली डायबोरेन इज जब BS3, ये जो BS3 है ना, BS3 इस बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये डायमराइज हो जाता है, डायमर बनाकर क्या बनाता है, B2S6 बनाता है, डायबोरेन बनाता है। यस सर। तो ये हाँ, तो यहां पर देखिए ये BS3 है, ये BS3 है, दूसरा BS3 है, ये अब यहां पर क्या होता है ना, यहां पर देखिए यही दो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देख रहे हो ना, एक समय पर अभी हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जैसे यहां पर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स था तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया था, अभी इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो क्या करता है देखो यहां पर समझो अच्छी तरह से, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है कभी एक समय पर आपको यहां दिखाई देगा और एक समय पर यहां पर दिखाई देगा, मतलब बोलेंगे यहां से यहां तक दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, ये दो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है यहां से यहां तक। सिमिलरली यहां से यहां तक ये जो बॉन्ड है कभी यहां दिखाई देगा और कभी यहां पर दिखाई देगा, मतलब ऊपर भी जो क्या हुआ, ऊपर एक बनाना बॉन्ड बन गया, ऐसे करके ऊपर भी क्या बन गया, एक बनाना बॉन्ड बन गया, या इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज्ड बॉन्ड बन गया। और यहां पर देखो यहां से यहां तक कितना सेंटर, तो तीन सेंटर, दो बोरॉन का और एक हाइड्रोजन का, और कितना इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है यहां से यहां तक, तो दो इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्री सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ये सब जो दिख रहा है आपको ये टर्मिनल हाइड्रोजन बोलेंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन, और इसको हम ब्रिज हाइड्रोजन बोलेंगे, बी मतलब ब्रिज हाइड्रोजन। तो जितने भी आपके पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड आएंगे उससे एक बार अभी आपको मिलाया जा रहा है कि यही सब मॉलिक्यूल्स बार बार आपके मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आएगा, तो उससे अभी से ही आप क्या एक्वाइंटेड हो जाए। ओके बना लिए होंगे, डन डन। उसके बाद थोड़ा ऑक्सी एसिड पर हम लोग काम करते हैं, ऑक्सी एसिड, डिफरेंट डिफरेंट एसिड का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड का क्या मतलब होता है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स होगा, इसको हम ऑक्सी एसिड को तो ऑक्सो एसिड भी बोला जाता है ना।
हाँ ऑक्सो एसिड, हाँ ऑक्सो एसिड भी बोला जाता है, बिल्कुल ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स। तो एक सीरीज याद रखना, उस सीरीज से ना हम क्या करेंगे ना, जो जैसे मेन जो एसिड आपको मिलने वाला है, एक सल्फर का बहुत सारा एसिड मिलने वाला है और एक फॉस्फोरस का बहुत सारा एसिड मिलने वाला है, इसी दोनों का बहुत सारा एसिड का एक सीरीज चलता है। तो उस सीरीज का एसिड का नाम तो याद रखना ही है और साथ ही साथ उसका फॉर्मूला याद रखना है। इन दोनों को याद रखने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और उसी टेबल से हम क्या डिफरेंट डिफरेंट एसिड का नाम और स्ट्रक्चर याद रखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, बीच में पहले बना ले, देखो बीच में जो है दैट इज हम लोग इसको बोलेंगे पेरेंटिक एसिड, ये पेरेंटिक एसिड है। पेरेंटिक एसिड से एक पानी निकाल लोगे ना तो मेटा एक फॉर्म बनेगा, इस पेरेंट एक एसिड में एक ऑक्सीजन डाल लोगे तो क्या बनेगा, पर एक फॉर्म बनेगा, पर एक फॉर्म। इस पेरेंट एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल लोगे तो ये जो बनेगा अस फॉर्म बनेगा, अस फॉर्म बनेगा। इससे और एक ऑक्सीजन निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा, हाइपो, हाइपो अस फॉर्म बनेगा। इसमें देखिए, इसमें पेरेंटिक एसिड में टू मल्टीप्लाई करके एक पानी निकालोगे तो क्या पायरो एक फॉर्म बनता है। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देगो, पायरोइक एसिड में ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो परऑक्सी, क्या परऑक्सी डाइक फॉर्म बनता है। इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लोगे तो क्या बनता है, हाइपो, हाइपोइक फॉर्म बनेगा। इसमें से इंटू टू करोगे माइनस वाटर करोगे, सॉरी हाँ वाटर करोगे तो ये क्या बनेगा, दैट इज पायरो, पायरो अस फॉर्म बनेगा। ये पायरो एक फॉर्म है, ये पायरो अस फॉर्म है। तो ये टेबल आपको ध्यान होना चाहिए सर। हाँ सर, टेबल एक बार सर बता देंगे। हाँ, ये पेरेंट एक एसिड, इसमें से एक ऑक्सीजन याद करना, पेरेंटिक एसिड से एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो पर एक फॉर्म बनेगा, इसमें से एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो अस फॉर्म बनेगा, इसमें से और एक ऑक्सीजन निकाल लोगे तो हाइपो अस फॉर्म बनेगा, पेरेंटिक एसिड से पानी निकाल लोगे तो मेटा एक फॉर्म बनेगा, पेरेंटिक एसिड से इंटू टू करोगे, ये जो पेरेंट एसिड है ना इसमें इंटू टू करना है और माइनस वाटर करेंगे तो पायरो एक फॉर्म बनेगा। अस फॉर्म में क्या बताया गया है, अगर इंटू टू माइनस वाटर करोगे तो पायरो अस फॉर्म, जैसे यहाँ पर पायरो एक फॉर्म तो यहाँ पर पायरो अस फॉर्म, इससे निकाल रहे हैं ना, अस फॉर्म से इंटू टू कर रहे हैं और माइनस वाटर कर रहे हैं। इस पायरो एक एसिड में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो परोक्सी डाई एक फॉर्म है और माइनस ऑक्सीजन करेंगे तो पायरो एक फॉर्म है। लिख लीजिए। सर हाँ सर, वो ऑक्सी एसिड के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है एक बार बता दीजिए। ऑक्सी एसिड कहाँ, ऑक्सी एसिड, हाँ ऑक्सी एसिड मतलब मेनली ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन जिसमें हो और हाइड्रोजन जिसमें हो और उसमें नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल उसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो ये जो ये टेबल अगले क्लास में याद करके आना, उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ये टेबल
सल्फर के एसिड पर अप्लाई करेंगे, फॉस्फोरस के एसिड पर अप्लाई करेंगे और उसका नाम भी हम लोग सीखेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी बनाना सीखेंगे, सो ऑन। अगर ये टेबल आपको याद होगा ठीक सर। तो वो सर आस फॉर्म के ऊपर माइनस ओ के बाद क्या लिखा, आस फॉर्म ओके हाँ सर हो गया ना सर। हाँ ओके तो इसको याद करके आना है, अगले क्लास में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।